प्रतिभा बोरकर हार्दिक स्वागत करता। आजची आमची जी पत्रकार परिषद असा ती माननीय यशवंत सिन्हा ऍड्रेस करतले। आज के संवाददाता सम्मेलन में हमारे माननीय यशवंत सिन्हा जी आपकी रूबरू है, आप उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इनका परिचय करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय यशवंत सिन्हा जी पूर्व प्रशासकीय भारतीय प्रशासकीय सेवा में कार्यरत थे। 1960 में उन्होंने भारतीय प्रशासकीय सेवा ज्वाइन की थी और यशवंत सिन्हा जी 24 साल तक भारतीय प्रशासकीय सेवा में कार्यरत रहे हैं। अनेक उच्च पदों पे उन्होंने कार्यभार संभाला है। 4 साल वे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं। ये रही उनकी प्रशासकीय सेवा में जो कार्य है उसकी जानकारी। माननीय यशवंत सिन्हा जी राजनीति में कार्यरत रहे हैं। 1990 से 91 में चंद्रशेखर जी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रह चुके हैं। 1998 और 2002 में अटल जी के मंत्रिमंडल में भी उन्होंने काम किया है और 2002 से 2004 तक विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार स्वीकारा है और संभाला है। 21 अप्रैल 2018 में भाजपा से वो अलग हुए और 13 मार्च 2021 में उन्होंने राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस में प्रवेश किया है। उनका यह जो प्रशासकीय अनुभव है और जो राजकीय अनुभव है इसके बारे में इसकी जो जर्नी है उसके बारे में वह स्वयं ही आपको बताएंगे। मैं माननीय यशवंत सिन्हा जी से निवेदन करती हूँ कि आज की संवाददाता सम्मेलन को वो संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, गलती हो गई। जब आपके सामने कोई आपके जीवन वृतांत को रखता है तो ऐसा लगता है सुनने वाले को, जैसे मुझे, कि कोई ओबिचुरी पढ़ी जा रही है। ओबिचुरी होता है ना, ये थे हैं? अब इसका कोई भविष्य नहीं है, जो था सो पूर्व में हो गया। लेकिन जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक भविष्य के बारे में सोचता है। और भविष्य के बारे में सोचकर ही मैंने टीएमसी ज्वाइन किया था पिछले साल। आप जानते हैं कि एक पार्टी और इसके लीडर जो हैं ममता जी, वो एक ज़बरदस्त संघर्ष में उस समय जूझ रही थी बंगाल के चुनाव को लेकर। और बंगाल के चुनाव के बारे में प्रचार इतना था भारतीय जनता पार्टी का कि सब लोग ये विश्वास करने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच में 200 पार करेगी, 292 है ना बंगाल में सीट्स, तो उसमें 200 पार, उनका नारा ही था 200 पार। मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपके सामने इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझे यह भी विश्वास नहीं था कि टीएमसी को 204 सीटें मिल जाएंगी। तो ममता जी ने संघर्ष किया, बीजेपी को एक करारी शिकस्त उन्होंने दी। और खास करके जो प्रधानमंत्री का आचरण था उस चुनाव में, वो प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप नहीं था। जिस तरह वो जाके दीदी ओ दीदी और इस तरह की बातें वहाँ करते थे, ऐसा लगता था जैसे हम स्ट्रीट कॉर्नर की मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं और कोई छोटा मोटा आदमी अपनी बात रख रहा है, प्रधानमंत्री नहीं। मैं इस बात से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि बहुत लोगों ने बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी भी कहा है। जुमले भारतीय जनता पार्टी अक्सर सामने रखती है देश के, और मुझे लगता है उनका जो विश्वास है खास करके चुनाव में विजय पाने के बारे में, वो इसी बात पर टिका है कि बिल्कुल ही झूठा प्रचार करो। झूठा प्रचार करोगे अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, तो कुछ लोग तो विश्वास कर ही लेंगे।
और झूठे प्रचार के आधार पर सत्ता हासिल कर लो। उसके बाद भूल जाओ कि हमने क्या वादे किए थे। एक भी वादे को दोबारा या कभी भी कार्यान्वित नहीं करना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अभी हम लोग 2022 में पहुंच गए हैं ना, 2022 में जैसे भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था, नारा था कि 2022 आते आते तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हुआ क्या? या अभी कोई भारतीय जनता पार्टी से आके कह रहा है कि भाई आज हम जनवरी में बात कर रहे हैं लेकिन जुलाई आते आते डबल हो जाएगा या 31 दिसंबर तक डबल हो जाएगा। एकदम खामोश है, इसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हैं कि इस जुमले का क्या हुआ जब आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोविड काल है, हम सब जानते हैं, मास्क लगा के आप लोग सब आए हुए हैं। कोविड का असर कृषि के ऊपर नहीं पड़ा है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी ने अभी बचा के रखा हुआ है। जो भी उसमें ग्रोथ हो रहा है उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो कृषि के ऊपर कोविड का असर नहीं पड़ा है, कृषि में विकास हो रहा है, लेकिन आय क्या दुगनी हो गई? नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में कुछ नहीं कहेगी, इसलिए नहीं कहेगी कि वो इस विश्वास में जिएगी कि सब लोग भूल गए होंगे। ये तो पहले हम लोगों ने वादा किया था, अब कौन याद रखता है कि हमने ये वादा किया था। नोटबंदी आपको याद होगा, डिमोनेटाइजेशन याद है ना? अब उसकी कोई चर्चा नहीं करता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। मोदी जी ने क्या कहा था, यही शायद कहा था कि 30 दिन, गोवा में आके कहा मुझे 30 दिन का वक्त दो। 30 दिन के पता नहीं कितने 100 दिन गुजर गए, अब कोई जिक्र ही नहीं करता है डिमोनेटाइजेशन। और मैं तो अपनी पार्टी के सांसदों से निवेदन करूंगा कि ये जो सत्र आ रहा है पार्लियामेंट का सत्र, उसमें वो डिमांड करें कि भारत सरकार नोटबंदी के ऊपर एक श्वेत पत्र ले आए, एक वाइट पेपर ले आए कि नोटबंदी में क्या हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय तक तो आरबीआई ये बताती रही कि कितना नोट वापस आया, कितना वापस आया, फिर 99.98 तक पहुंच गया जब, तो उन्होंने बंद कर दिया। उसका ऐसे कोई सूचना नहीं थी, कहीं कोई देश की जनता के सामने यह आंकड़ा आज तक नहीं आया है कि नोट कितना वापस आया। और इसीलिए शक होता है कि 100% से भी ज्यादा नोट सरकार के खजाने में जमा हो गया। लेकिन ये तो छोड़ दीजिए कि एक आंकड़ों की जालसाजी हुई, सबसे बड़ी बात जो नोटबंदी के बारे में थी वो ये थी कि सारा काला धन सफेद हो गया। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि ये डिमोनेटाइजेशन का पूरा एक्सरसाइज जो था वो केवल इसीलिए लाया गया कि काले धन को सफेद कर दिया जाए, क्योंकि सब पैसा तो पहुंच गया बैंक्स में। फिर उन्होंने कहा इनकम टैक्स रहेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर लेगा, डायरेक्टरेट लेगा। कोई कहीं आपको पता चला कि कितना काला धन उन्होंने पकड़ा? आज तक वो आंकड़े नहीं आए। तो सारा काला धन जो देश में था वो सफेद हो गया। तो जुमलेबाजी, आज मैं यहां आ रहा था तो देख रहा था अपने इसमें यूट्यूब में एक दो मोटरसाइकिल पर राइड करते हुए पहुंचे पेट्रोल स्टेशन में, तो कोई वहां पर माइक लेकर ये खड़ा था, उसने पूछा कि आप क्या समझते हैं कैसा चल रहा है देश? तो ना बहुत बहुत अच्छा है। क्यों, कैसे कह रहे हैं? ओ, देश एकदम सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? नहीं नहीं सुरक्षित है, इसके बारे में कोई बात मत कीजिए। और हम भी सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि देश भी सुरक्षित है। लेकिन कुछ बताइए तो, उसने पूछा कि अचीवमेंट क्या है इस सरकार की? तो उसने कहा कि 3 तलाक तुरंत कर दिया, 3 तलाक उन्होंने लाया। अच्छा, और एक बता दीजिए। तो वो
वो धारा कश्मीर वाली, उसको खत्म कर दिया धारा कश्मीर वाली। कौन सी धारा? नहीं वो की धारा थी ना, वो खत्म हो गई। हाँ 302 खत्म हो गई, वो तो याद करके उसने कहा 302 की धारा जो थी वो खत्म हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उस व्यक्ति ने हमारे सामने माइक पर ये बोला वो क्या था, झूठे प्रचार का शिकार बन गया वो। और आज मैं आपके सामने गोवा की जनता को ये कहने के लिए आया हूं, उससे निवेदन करने के लिए आया हूं कि भैया अपना जो वोट है वो नोटा में डाल दो, समुंदर में फेंक दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि ये लोग केवल धोखा देंगे और किसी वादे को पूरा नहीं करेंगे। ये आज स्थिति आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। और मैंने कृषि के आंकड़ों की बात की, किसी और आंकड़े को आप ले लीजिए, भारत सरकार के आंकड़ों के ऊपर दुनिया विश्वास करती थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स से जो आंकड़े आते थे, लेकिन आज क्या वो विश्वास करने योग्य है? बचे? नहीं बचे। और एक समय आया जबकि निराश होकर क्षुब्ध होकर एक स्टेटिस्टिकल कमीशन बना था स्वतंत्र रूप से, हम ही लोगों ने उसको बनवाया था डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स में, एक स्टेटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो कि स्वतंत्र रूप से आंकड़ों को इकट्ठा करेगा और देश के सामने रखेगा। एक स्टेज ऐसा आया उनके ऊपर इतना दबाव बना झूठे आंकड़े पेश करने का कि उन्होंने, उनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दो मेंबर्स थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और केवल एक मेंबर पर वो कमीशन काफी दिनों तक चलता रहा क्योंकि झूठे आंकड़े वो नहीं देना चाहते थे। देश का एक सर्वे हुआ कंजम्पशन का कि लोग खपत कितनी कर रहे हैं, वो आंकड़ा आज तक नहीं, विक्रम साहब जी यहां पर मौजूद हैं इनको पता होगा शायद, वो आंकड़े नहीं आए ना देश के सामने। कंजम्पशन के आंकड़े जो सर्वे हुआ वो इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि उस आंकड़े में सरकार की पोल खुल जाती, तो इसलिए उस आंकड़े को दबा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भारत सरकार पर विश्वास कर सकते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं, न भारतीय जनता पार्टी को विश्वास कर सकते हैं। और इसीलिए इस चुनाव में गोवा की जनता को ये फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम कुछ भी करें लेकिन भारतीय जनता पार्टी से दूर रहो चुनाव में, उनको मत आप कोई भी अपना वोट दे के बर्बाद करो। धन्यवाद। अभी जो बीजेपी का यहाँ प्रचार चल रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है, वो वहाँ दंगे हो रहे हैं और हालत खराब है बंगाल की, तो वो आप गोवा में चाहते हैं क्या? ये इनका प्रचार चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हार गई बंगाल में, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने ये दुष्प्रचार शुरू किया कि बंगाल में हिंसा हो रही है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको ना केवल परेशान किया जा रहा है, उनको हताहत किया जा रहा है, और ये प्रचार अभी तक उनका चल रहा है। कोई अगर अपने प्रदेश में इस तरह हिंसा को बढ़ावा देगा तो वो सरकार की भारी बदनामी होगी, होगी ना, वो विश्वास कायम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन ये केवल चूंकि झूठा प्रचार है इसलिए न बंगाल की जनता इस पर विश्वास करती है न गोवा की जनता इस पर विश्वास करेगी। सर जी ये भी अपप्रचार हो रहा है, बंगाल में हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, घर में घुसकर मार रहा है, एक कितना तथ्य है इसमें? देखिए एक अच्छा, मैं बहुत खुशी है मुझे कि आपने ये सवाल पूछा। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2.5 ढाई मूल मंत्र हैं, ठीक है, ढाई। नंबर एक क्या है? हिंदू। नंबर दो क्या है? मुसलमान।
और आधा क्या है पाकिस्तान। अगर हिंदू मुसलमान से काम नहीं चला तो पाकिस्तान को ले आओ। मैं कहता हूं कि मेरा सिर आई बाउ माय हेड इन शेम कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, गोवा के चुनाव में पाकिस्तान मुद्दा बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर, ऐसा लगता है जैसे देश में कोई कानून नहीं है, चुनाव में भी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं अपने भाषणों में। और मुझे बहुत शिकायत है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाते हैं, पहला उनका पड़ाव क्या होता है, कैराना। कैराना के बारे में हम लोग सब जानते हैं। क्यों जाते हैं वहां पर? क्योंकि वो वहां पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और चुनाव आयोग के कोरोना के बारे में जितनी हिदायतें हैं उनकी धज्जियां उड़ती हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने कहा है कोई रैली नहीं होगी। चुनाव आयोग ने कहा है आप डोर टू डोर कर सकते हैं लेकिन 5 आदमियों के साथ। अब उन्होंने उसको रिवाइज करके कहा 10 आदमियों के साथ आप कर सकते हैं। अमित शाह का वीडियो उपलब्ध है कि हुजूम चल रहा है उनके साथ। और मैं सिर्फ सुरक्षा कर्मियों की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों की बात कर रहा हूं जो मीना अमित शाह मास्क नहीं पहने हुए थे, उनके साथ जो लोग थे वो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे। कोरोना के मानकों का खुलेआम उल्लंघन हुआ और चुनाव आयोग खामोश है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो बाकी सब पार्टियों के लिए बना है, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी के 100 खून चुनाव आयोग माफ करने को तैयार है। आप सर अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे, अटल जी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी और अभी की भारतीय जनता पार्टी क्या फर्क है? आसमान देख रहे हैं ऊपर और यह धरती है, इन दोनों में जितना अंतर है ना उतना ही अंतर उस पार्टी, उस समय की पार्टी में और आज की पार्टी में है। और एक मिनट, इनका हमें जवाब देता हूँ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने तो 22 पार्टियों के साथ मिलकर अपनी सरकार चलाई, ये आप जानते हैं, अच्छी सरकार चलाई, पूरा कार्यकाल पूरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भूल जाइए 22 सहयोगियों को, सहयोगी दलों को, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 दल प्रारंभ से थे, अकाली दल पंजाब में और शिवसेना महाराष्ट्र में, बाकी लोग आते रहे जाते रहे। आज ये दोनों दल क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? पंजाब में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई, महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई। अभी तो उद्धव ठाकरे जी का बयान आया कि 25 साल हम गफलत में रहे, लेकिन वो क्यों अलग हो गए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आपका यह हक बनता है पूछने का कि भाई आपके सहयोगी दल आपको छोड़कर क्यों चले गए? पुराने जितने पुराने सहयोगी दल थे वो सब छोड़कर चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि इस पार्टी का चरित्र ही बदल गया। ये लोगों को मिलाकर चलने की बात नहीं है। यहां पर मैंने एक दफा दिल्ली की एक मीटिंग में कहा कि कौरव 100 भाई थे, याद है ना, महाभारत याद है ना आप लोगों को, पांडव कौरव, तो कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। तो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक मीटिंग हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए 5ों पांडवों का नाम हमको बता दीजिए। तो वो लोग, कोई लड़का खड़ा हुआ यंग आदमी, उसने बता दिया ऐसा कि युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव। हमने कहा कि कौरव 100 भाई थे, 100 भाई में कम से कम 3 भाई का नाम बता दीजिए, 3 भाई, 100 का तो हम नहीं पूछ रहे हैं लेकिन 3 भाइयों का नाम बता दीजिए। दुर्योधन और दुशासन के अलावा तीसरे का नाम नहीं बता सका। भारतीय जनता पार्टी में आज आप पूछिए तो 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं है।
ठीक है ना, दो ही लोगों को। मैं बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि हमारे बहुत निकट के मित्र रहे हैं, आज भी मित्र हैं, राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, राजनाथ सिंह कहीं नजर आ रहे हैं नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यही दो लोग लगे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, राजनाथ सिंह भी नहीं, दुर्योधन और दुशासन, तीसरा कोई नहीं। यही कारण थे अभी जो मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया। देखिए, मैंने एक फैसला किया था 2014 का चुनाव जब आया ना, तो मैंने फैसला किया कि अब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे कहीं पर भी। तो 2014 का चुनाव नहीं लड़ा हमने, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में बने रहे। धीरे धीरे करके हमने देखा कि चाहे आर्थिक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, उन सबसे भारतीय जनता पार्टी भटक रही है। मैंने उसके बारे में पत्र भी लिखे, सार्वजनिक रूप से फिर बयान भी दिया, और जब मैंने पाया कि कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि भाई ऐसे जमात में रहने का क्या फायदा जहां कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं अलग हो गया। अलग हो गया तो मन में विचार यही था कि हम अब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब पिछले साल बंगाल का चुनाव आया, तो बंगाल के चुनाव में एक ऐसा उसका नेशनल कैरेक्टर बन गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतती और वो बनाती सरकार वहां पर, तो पूरे देश में और भयंकर धांधली मची होती। ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनाव को डिसाइसिव रूप से जीत कर भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ के रथ को रोक और देश में एक नई आशा का संचार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, जिसको हम लोग चाहेंगे गोवा में भी देखना। तो इसलिए उस भारतीय जनता पार्टी में, जुमलेबाज पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने अपना रास्ता रख दिया। हाँ विकांत जी। सर, माय क्वेश्चन टू यू एज अ एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, इन अ नटशेल, हाउ कैन यू यू नो डिफाइन और असेस द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिकॉज़ वी हार्डली सी द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपने हमारे या उनके दुखती रग पर उंगली रख दी। देखिए, मैं बहुत ब्रीफ नहीं, थोड़ा समय लूंगा आपका। हम 4 साल से ऊपर थे वित्त मंत्री, 5 बजट हमने पेश किया, 2 इंटरिम बजट पेश किया। तो बजट बनाते समय एक प्रक्रिया है भारत सरकार में, और उसमें प्रधानमंत्री बहुत व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहते हैं, और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि हम बजट में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, और 3-4 बार ये मीटिंग होती है। लेकिन बजट वित्त मंत्रालय में बनता है, बजट में क्या इंक्लूड किया जाएगा ये वित्त मंत्री सोचता है, वित्त मंत्रालय सोचता है। अब सब कुछ बदल गया है, अब बजट वित्त मंत्रालय में नहीं बनता है, बजट की रूपरेखा प्रधानमंत्री के कार्यालय में तय होती है, और प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, वो नहीं है, कोई और मंत्री, गृह मंत्री फॉर इंस्टेंस, वो वित्त मंत्री को बुलाएंगे और वो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये बजट में होना चाहिए, ऐसे आप बजट बनाइए, और वित्त मंत्री महोदय को कोई चॉइस नहीं है तो वो उसी तरह का बजट बना देती हैं। उसके जो गैप्स हैं, फिगर्स हैं, वो सब वित्त मंत्रालय उसमें प्रोवाइड कर देता है, बट द ब्रॉड कंटूअर्स ऑफ द बजट आर प्रिपेयर्ड इन द PMO एंड हैंडेड ओवर टू द फाइनेंस मिनिस्टर। द फाइनेंस मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली
does not have much to do with preparing the budget. What is your expectation? This 1st February, we are having a union budget. And with the elections almost round the corner, in Goa, we are having on 14th February. 1st February, the union budget. Do you think there will be some tweaking of budget for the election? I mean, political ethics demanded that the budget should have been postponed until after the elections. And there is a precedent. You will remember that Pranab Mukherjee, when he was the finance minister, he had postponed the budget until the elections which were taking place in the states were over. This government, one doesn't expect this government to observe these constitutional niceties. So they are going ahead with the budget. And they will try their best to include such false promises in the budget, which they hope will have an impact on the elections in the 5 states, especially in Goa and in Uttar Pradesh. So, opinion poll ko leke aapki kya pratikriya hai? Because we have seen in the last Bengal election, they have shown a very high victory of BJP. And now also in UP also, same victory they have shown. Opinion poll, every news channels, all big channels are showing big victory of UP election. And we have seen huge crisis, farmer crisis, Lakhimpur cases, Ganga, COVID cases. This is happening in Hathras case. Still we are showing big number of UP. You see, as far as the pre-poll surveys are concerned, they are good entertainment. Nothing more than that. That science or system has not yet developed in our country where we'll have more or less accurate projections, as let's say as in the US or elsewhere. In our case, such projections are based on the political leaning of the person who is doing the projection or doing the people survey, or the person or agency which is commissioning it. And aap sab log media ke hain, bahut afsos ke saath main is level ke media ko to nahi, lekin upar jo ho raha hai media ke saath wo aap jante hain. Mujhe khushi hui Goa mein kuch kal humne jo press conference kiya उसको दबाने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया को किस तरह गोदी मीडिया बना दिया गया है. मोस्ट केसेस द मीडिया इज सिटिंग इन द लैप ऑफ द गवर्नमेंट. आई नो पर्सनली, मैं बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको, कि ये जो शाम का दरबार लगता है ना चैनल्स में, तो उस दरबार में क्या सब्जेक्ट लिया जाएगा डिस्कशन के लिए, ये सरकार की तरफ से आता है कि भैया आज शाम को ये डिस्कस करो. अब कहीं बहुत भयंकर कोई चीज हुई है तो उसको बिल्कुल छोड़ दो, उसके बारे में एक शब्द मत बोलो. कोई एकदम अनइम्पॉर्टेंट इशू को ले लो, उसको डिस्कस करो. फिर वो कहेंगे कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के रूप में किसको बुलाओ. अब देखते हैं ना कि एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं साहब. अब वो बीजेपी का जो प्रवक्ता जितनी तेजी से बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहा है, उतनी तेजी से वो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बोल रहा है. तो ये सब पूर्व नियोजित है. इट्स ऑल प्री प्लान्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द गलिबल पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट दिस इज व्हाट इज What is the state of affairs? Sir, Akhilesh Yadav ne election commission ko letter likha hai ki this post should be banned. What is the TMC take? Will opposition? The election commission bans pre-poll surveys and even surveys after the voting is over. And we know from experience that forget pre-poll surveys, even the after voting surveys are completely off the mark. Post-poll surveys are also completely off the mark. Sir, you said that you don't believe in these surveys. Do you believe the IPEC survey which is going on in Goa, saying that TMC will make a formal next government? Are you believing that? No, they have not made it public. As I don't think IPEC makes its surveys public. I can't claim to speak on behalf of IPEC, but my impression is that IPAC does not make such surveys public. Sir, one last question from my side.
They from all sides, because I have a flight to catch. So everything is good in your PMC because a lot of leaders are leaving. Yesterday also, Yatish Naik has shown his that there is a disorder in the thing. What do you like to say about this? हो जो असा हो प्रश्नांचो अंतर्गत प्रश्न असा आणि ताजेर आमचे जे सीनियर लीडर्स असा ताजेर विचार करता आणि त्यांच्या कडेन उलयता पण लेटर दिला ना ताणे आमच्या कडेन असो अजून तरी लेटर पावूक ना पण ताणे फेसबुकाचेर घालले ते आमकां सकाळचेच कळले सो आम्ही ताजे कडेन उलयतली आणि हो आमचो अंतर्गत प्रश्न असा आम्ही तो सुटावो करतात येस दॅट इज हिज ताजो विचार असा न्ही सो ताणे पब्लिक केले म्हणून गुन्हेगार केलो असं न्हय न्ही आम्ही उलयतली ताज्या कडे तो आमच्या कडे उलयतलो आणि हो प्रश्न आम्ही सुटावो जातले Thank you. Sir, Sajid, Sajid, last question. Abhyat, बहुत सवाल पूछे. You said, sir, नोटबंदी जी थी, वो काला धन सफेद हो गया. किन लोगों को फायदा हो गया इसका? जाहिर है जिनके पास काला धन था, उन्हीं लोगों को फायदा हुआ. Yes, specially जो especially आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि काला धन सबसे ज्यादा किसके पास था और उसमें मैं उद्योगपतियों को और बाकी लोगों को शामिल करने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल करता हूं. सबसे ज्यादा धन और काला धन दोनों मिलाकर किसके पास है आज के दिन? इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा ओपेक सिस्टम जो बनाया गया उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? आप जानते हैं, भारतीय जुमला पार्टी को. थैंक यू.